फ्रेंड्स, मैं आरती, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आपका कोड 507 से है। समाज और शिक्षा जो आपका चैप्टर है 507, जिसका नाम समाज और शिक्षा है, इससे इम्पोर्टेंट लघु उत्तरी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और आपकी डिमांड है कि हर एक क्वेश्चन भले कम थोड़े लिए जाएं, लेकिन एक्सप्लेन अच्छे से किया जाए। वेल, मैं ऑलवेज एक्सप्लेन अच्छे से करती हूँ, फिर भी आपको लगता है कि कम क्वेश्चंस रखे जाएं, तो चलिए हम कम क्वेश्चंस ही रखेंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अन अकेडमी में हमें आप फॉलो कर लीजिए, वेबसाइट को विजिट जरूर करें एंड फेसबुक पेज पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फिर, इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि सामाजिक ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की विषमताओं को दूर करने में शिक्षा सबसे सशक्त हथियार हो सकता है, चर्चा करें। आपको चर्चा करना है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ समाज बस में ही नहीं होती है, बल्कि शिक्षा कुछ ऐसी विषमताएं होती हैं समाज में, कुछ ऐसी कुरूतियां होती हैं समाज में जिनको दूर करने के लिए शिक्षा को एक हथियार के रूप में यूज किया जाता है, यानी शिक्षा के माध्यम से उनको दूर किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि शिक्षा हमें ज्ञान देता है और ज्ञान ही शक्ति है। समाज की समस्याओं का समाधान कर शिक्षा समाज में सार्थक भूमिका निभाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि हमारी समस्या का समाधान ढूंढकर हमें विश्व की समस्या का समाधान करने में मदद करनी चाहिए। यदि भारत विश्व को उनके समाधान के लिए आग्रह कर सकता है तो यह मानवता के लिए एक योगदान होगा। शिक्षा के माध्यम से कोई भी ज्ञान अर्जित कर सकता है और सशक्तिकरण की प्रक्रिया में भाग ले सकता है। और भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली ना तो सबके लिए खुली थी और ना ही इसमें कोई समानता थी। यह चरित्र में कुलीन थी और धार्मिक उद्देश्य से समर्थित थी। कुछ तर्कशीलता पर आधारित थी जो कि सामाजिक आर्थिक असमानता सृजित करती थी। स्वतंत्रता के पश्चात संवैधानिक प्रावधानों यानी कि जो अनुच्छेद 21 ए है और 45 जो शिक्षा के लिए, मूल अधिकार 45 के लिए, अनुच्छेद 21 ए जो शिक्षा के लिए है, ने इसे कुलीनतावादी उपागम को समतावादी उपागम में बदल दिया तथा सशक्तिकरण की प्रक्रिया विविध अनुमति शुल्क अध्ययनों में देखी गई है। संयुक्त राष्ट्र शताब्दी विकास लक्ष्यों ने 8 चिन्हों को चिन्हित किया, जिसमें से 2 यहाँ सार्थक है। पहला सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना यानी सबके लिए शिक्षा प्राप्त करना, और दूसरा लैंगिक समानता यानी चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, इस तरह के उसमें चाहे सामाजिक कुछ लैंगिक समानताएं देखने को मिलती हैं, ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो इसे विश्व में भारत के साथ साथ 189 देशों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है और इन लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रीय पताका के रूप में सर्व शिक्षा अभियान को प्रवर्तित किया गया। महिला साक्षरता के लिए महिला संस्था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आदि जैसे बहुत से पहल किए गए हैं। और जहाँ तक क्षेत्रीय विषमता का संबंध है तो किसी क्षेत्र का विकास प्रत्यक्ष उस क्षेत्र की शैक्षिक स्थिति के साथ ही संबंधित, तो इस प्रकार क्षेत्रीय विकास किसी क्षेत्र की शिक्षा स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक जो विषमताएं होती है उनको दूर करने के लिए शिक्षा सशक्त हथियार है, तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि शिक्षा के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम है उनको शिक्षा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सामाजिक विषमताएं क्या होती हैं? सबसे पहले सामाजिक विषमताओं में आप ले लीजिए भेदभाव सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो गांवों में खास तौर पे देखी जाती हैं, शहरों में भी ये देखी जाती है। तो अगर कोई शिक्षित व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, एजुकेटेड होगा, तो इस चीज़ को समझेगा कि आज जो ये भेदभाव होता है ये सही नहीं है, नहीं करना चाहिए, उसे दूर करने की भी कोशिश करता है। यानी खुद तो समझता है, दूसरों को भी समझाता है कि ये गलत है। लैंगिक विषमता एक देखने को मिलती है, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो डिफ्रेंसेस किए जाते हैं कि लड़कियाँ हैं इन्हें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इन्हें तो चूल्हा चौकी करना है, शादी करके दूसरे घर में चले जाना है, ज़रूरत क्या है पढ़ाई की, लड़के हैं तो ये तो घर के चिराग हैं, बंस हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है, आगे बढ़ना। ये लैंगिक विषमता जो है इसको पाटना, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ये वही कर सकता है जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा हुआ है, एजुकेटेड है, जो समझता है कि गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं बिल्कुल, लड़के और लड़कियाँ बिल्कुल समान हैं। तो इन चीज़ों को लिख के आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फिर आप आगे चल के इसमें ये भी लिख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कहा है इस चीज़ को आप तो लिख ही सकते हैं,
और इसके बाद शिक्षा से संबंधित जो जो चीज़ें आई, जैसे सबसे पहले संवैधानिक यानी शिक्षा का अधिकार आया, जो मूल अधिकार रखे गए 45वें शिक्षा का अधिकार 21A में रखा गया है, उनके बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि शिक्षा के लिए बहुत कुछ कानून बने, बहुत कुछ काम किए गए हैं। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र जो सहशताब्दी विकास लक्ष्य 2000 में जो स्टार्ट किया गया उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, जिनमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा लैंगिक समानता था। अब यहाँ पे जो आपको देखना है वो चीज़ है सबसे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, भारत में आप लिख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान जो है SSA, इसको भी जो है स्टार्ट किया गया था। सर्व शिक्षा यानी सब तक शिक्षा पहुँचे, महिला साक्षरता जो है, महिला संस्था कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्थापित किया गया था, लैंगिक जो विषमता है, लैंगिक जो विषमताएँ देखने को मिलती हैं गर्ल्स समाज में उनको दूर करने के लिए, तो बहुत कुछ जो है आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें स्वास्थ्य संबंधित जो है आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक निर्भर करता है, कभी कभी तो लोग समझदार पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन जो वहाँ का बैकग्राउंड होता है उनके घर का और वहाँ उनकी जो आर्थिक इकोनॉमिक होती है सब चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती हैं कि वो उस चीज़ को आगे बढ़ा सके कर सकें। तो कहते हैं कि जिस गाँव के लोग पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, वहाँ का गाँव बहुत डेवलप करता है, बहुत आगे बढ़ता है हर एक चीज़ों में। तो उन जगहों में ये चीज़ें बहुत कम देने को, चाहे वो क्षेत्रीय विषमता हो, लैंगिक विषमता हो, चाहे जो भी चीजें देखने को बहुत कम मिलती हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि शिक्षा प्रक्रिया के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है, कि जो शिक्षा है उसके सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रभाव है उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। तो चलिए देख लेते हैं, किसी समाज को शिक्षा की सहसंबंध इसके सामाजिक आर्थिक कारकों के साथ होता है। शिक्षा की प्रक्रिया अपने सामाजिक संरचना, सामाजिक नियमों एवं मूल प्रणालियों में विकसित होती है। विद्यमान सांस्कृतिक विषय वस्तु को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए मानव समाज का एक ऐसा ही सृजन है विद्यालय। अनौपचारिक व्यवस्था में समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज अपने सदस्यों को समाज के नियमों और मूल्यों के बारे में संपादित या शिक्षित करता है। परंपरागत रूप से शिक्षा ईसाई मिशनरियों, इस्लामी मदरसों, बौद्ध विहारों एवं अन्य धार्मिक संगठनों जैसी धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती थी। यानी शिक्षा के माध्यम से सिर्फ आदमी एजुकेटेड शिक्षित नहीं होता है, बल्कि जो हमारे पुराने सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, जो नियम हैं, जो धर्म हैं, उनके बारे में भी तो पता चलता है। और ये कहना चाहिए कि परंपरागत जो शिक्षा होती है वो एक वर्ग से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित होती है, और इसके लिए मेन जो जगह होती है वो विद्यालय होता है, जहाँ पे सब चीज़ें आदमियों को पिछले पीढ़ियों के बारे में, पिछले जन्म के बारे में, पिछले टाइम के बारे में लोगों को पता चलता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और पहले के टाइम में अगर बात की जाए शिक्षा की, तो वो शिक्षा जो है ईसाई मिशनरी, इस्लामी मदरसों, बौद्ध विहारों एवं अन्य धार्मिक संगठनों जैसी धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती थी, क्योंकि उस समय शिक्षा के जो साधन थे वो यही हुआ करते थे, जो ईसाई मिशनरियाँ हुआ करती थी, इस्लामिक मदरसे हुआ करते थे, बौद्ध विहार हुआ करते थे, मठ हुआ करते थे, जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। इन संस्थाओं का धर्म प्रचारक लक्षण और वे अपने धार्मिक आदर्शों को मन में बैठा कर रखती थी, यानी सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म का एक तरह से प्रचार करते थे शिक्षा के माध्यम से। और यह सीमित स्थापित धर्म नहीं थी, प्रत्येक समुदाय अपने नियम मूल्यों में संप्रेषित था, यानी वही है कि अपने अपने धर्म का, अपने अपने मूल्यों का, अपने अपने संस्कृत का प्रचार करना होता था इस शिक्षा के माध्यम से। और शिक्षा एवं समाजीकरण की प्रक्रिया में हम हमारे समाज के पूर्वाग्रहों एवं भिन्नताओं को भी संप्रेषित करते हैं, जो इस प्रकार है। धर्म तंत्र स्तरीकरण और अंतर्निहित असमानता, कुलीन संस्कृति, लैंगिक विभिन्नता और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक लक्षणों का प्रभुत्व भी युवा पीढ़ियों को संचारित होता था। फ्रांस के समाजवादी शास्त्री पियर बोर्जू ने देखा कि शिक्षा प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्थायी करता है, और परदेश को उन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कहा, यानी शिक्षा जो है फिर से शिक्षा के माध्यम से उत्पादन किया जाता है। शिक्षा कभी खत्म होने वाली नहीं है, अनवरत होती है, व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और एक के बाद दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है, तो आपको पता ही है। और उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय की प्रमुख जो भूमिका है वो विद्यालय एक नैतिक सत्ता के रूप में एक व्यवसाय के लिए लोगों को तैयार करने में, और विद्यालय को समुदाय के प्रभावी वर्ग का चापलूस नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा जो होती है वो हमें विद्यालय से मिलती है, और विद्यालय
के साथ साथ में यहाँ पे शिक्षा का समाजीकरण भी होता है, सैनिक के लोगों को समाजीकरण जो है शिक्षा के माध्यम से ही मिलता है। पहले की शिक्षा जो थी मिशनरी और इस्लामी मदरसों और बद बिहारों मठों से मिला करती थी, जो अपने संस्कृत का धर्म का प्रचार करते थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये भी पार्ट वन है, अभी बहुत सारे आपके लघु उत्तर यानी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है हम लेके आएंगे, और देर क्वेश्चंस भी यानी लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो भी लेके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।